दोपहर 3। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर असमृद्धिर्वा सवै पंडित उच्यते। संस्कृत समाराधन पराः संस्कृतस्य च अभ्युदयाय संकल्पित मानसाः प्रियदर्शकाः सादरं नमस्करोमि अहम् नीतीश भारद्वाजः। अभिवादये अहम् ऋचापि सर्वदा संस्कृत मातुः समुपासनरताः संततिः। नीतीश, गणितं ज्योतिषं काव्यशास्त्रं आयुर्वेदः अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रं ज्ञानविज्ञानयोः तत्त्वानि च इति सकलमेव संस्कृतभाषायां समुपलभ्यन्ते। सत्यं, दैवीगिरेयं संस्कृतभाषा सुख्यातास्ति भावघनसूक्तिसमलङ्कृतानां सुभाषितानां कृते। तत्र चापि यथा वाचः तथैव कर्म इति तत्त्वं संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमस्ति। आम्, किं कर्तव्यं किम अकर्तव्यं इति विषयं सारल्येन प्रतिपादयति अस्मदीयं अद्यतनं सुभाषितम्। अवलोकयन्तु अत्र। अकृत्यं नैव कृत्यं सा प्राणत्यागे कृतस्थिते न च कृत्यं परित्याज धर्मः सनातनः। प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर नहीं किए जाने योग्य कार्य नहीं करने चाहिए, पर करने योग्य कर्मों का परित्याग तो कभी नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः यह ही शाश्वत धर्म है। Acts which are not worth doing should not be done even when one's life is in danger, but actions which are worth doing should never be avoided. सर्वथा सार्था इयम् अभिव्यक्तिः। उक्तमपि यत् कर्मणा प्राप्यते स्वर्गः सुखं दुःखं च भारत। अतः सर्वदा सम्यक् कर्म एव करणीयम्। सत्यम्, इदमेव अनुसृत्य वयं वार्तावल्यापि प्रयतामहे विविध वृत्त ज्ञापनाय तत्र चापि सुभाषित वचनम् अनुसरति अस्मदीयः प्रवाही वार्ताक्रमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राष्ट्रियांतरिक्ष संवर्धनार्थम् अहमदाबादस्य भोपाल क्षेत्रीय मुख्यालयम् उद्घाटितवान्। तत्र कार्यक्रमे अंतरिक्षाधृतानुप्रयोग सेवादि क्षेत्रेषु कार्यरतस्य इनस्पेस इत्यतस्य अन्य निज क्षेत्रीय समवायानां च मध्ये सहमति परस्य ज्ञापनस्य आदान प्रदानादिकम् अपि जातम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐषमः जैव प्रौद्योगिकी नवोद्यमस्य प्रदर्शनीम् उद्घाटयत्। तेन जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रं देशस्य विकासाय नवगतिकारकं प्रतिपाद्य विगतेषु अष्टवर्षेषु भारतीय जैव प्रौद्योगिकी परायां अर्थव्यवस्थायां दशार्बुद डॉलर रूप्यकतः अष्टगुणिता वृद्धि समुद्घुष्टा। देशस्य पञ्चदशस्य राष्ट्रपतेः निर्वाचनपरः कार्यक्रमः प्रख्यापितं गतः। जून मासस्य पञ्चदशे दिनांके एतत् सम्बद्ध अधिसूचना विस्तरेण प्रख्यापयिष्यते। आवश्यकतानुसारं जुलाई मासस्य अष्टमे दिनांके मतदानम् अथ जुलाई मासस्य एकादशे दिनांके परिणामोद्घोषणं भविष्यति। वर्तमान राष्ट्रपतेः रामनाथ कोविन्दस्य कार्यकालः जुलाई मासस्य चतुर्विंशे दिनांके समाप्तिं प्रतीयति। वित्तमंत्री वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमान्तर्गतस्य मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस इत्येतस्य शुभारम्भं कृतवान्। छात्रेषु साक्षात् धनपत्र सम्बद्धां जागरूकतां प्रसारयितुं 30 दिनाभ्यन्तरे 75 नगराणां 75 महाविद्यालयान् यावत् एकलव्य एक्सप्रेस इत्येतत् सम्प्राप्स्यति। 12 भाषासु 4000 छात्रान् यावत् एतस्य विषय सामग्री अपि प्राप्ता स्यात्। तावत् वित्तमंत्री नेत्रा इत्याख्यम् अन्तर्जालीय संकुलं चल दूरभाषीयानुप्रयोगम् अपि प्रवर्तितवान्। वियतनाम प्रवासे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 10 कोट्यमेरिकीय डॉलर सम्मितानां तीव्र गतिकानां 12 रक्षक नौकानां अभ्यर्पणं वियतनामाय कृतवान्।
रक्षामन्त्रिणा तावत् भारतीय रक्षोद्योगिक परिवर्तन समूहे अपि वियतनाम देशः आमन्त्रितः। भारतीय रिजर्व बैंक इत्येतस्य मौद्रिक नीति समित्या महार्घतां नियन्तुम् अनारतं द्वितीय क्रमे नीतिगत कुसीद प्रातिशत्ये वर्धनपरः निर्णयः कृतः। निक्षेपमित्यां 50 आधारंक रूपं वर्धनमपि निर्णयेषु एकतमम्। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणेन 5.1 होरासु 75 किलोमीटर मितं मार्गं विनिर्मीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इत्यत्र कीर्तिः अंकिता। केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी निखिलदेशार्थं गर्वक्षणम् एतत् प्रतिपादितवान्। कश्मीरस्य गांधरबल जनपदस्य प्रसिद्ध खीर भवानी मन्दिरे वार्षिक मेलकस्य आयोजनं वर्षद्वयात् पश्चात् जातम्। तावदत्रत्ये वार्षिके समारोहे प्रभूत संख्यायां कश्मीर क्षेत्रीयाः पण्डिताः राज्यान्तराणां श्रद्धालवः च सम्मिलिताः अभवन्। वस्तुतः कोरोना संक्रमण कारणात् गतवर्षद्वयतः मेलकायोजनं तत्र न जातम् आसीत्। ऋचे, अस्माकं देशस्य कृते हर्ष विषयोस्ति यत् मोदी सर्वकारेण स्वीय कार्यकालस्य सफलाष्ट वर्षाणि देशसेवायै संस्कृतोत्थानाय च यापितानि। आम्, एषु अष्ट वर्षेषु सर्वकारेण सर्वासां भाषाणां कृते विशेषरूपेण संस्कृतोत्थानाय नैकानि प्रशंसनीयानि कार्याणि विहितानि। आयान्तु दर्शकाः, अवलोकयामस्तावत् संस्कृतजगतः कृते गौरवमयं वृत्तमिदम्। संस्कृतं संसारस्य समुपलब्धा सुभाषा स्वस्ति प्राचीनतमा अतुलनीया च। भारतस्य ऐषमः अमृतमहोत्सवकाले एषा संस्कृतभाषा अमृतभाषा रूपेण उत्सवप्रियजनैः स्वजीवने आचर्यते सम्मान्यते च, येन अस्याः लोकप्रियत्वं अतोपि वर्धते तराम्। नरेंद्र मोदी प्रशासनेन स्वकीय अष्टवर्षात्मके स्वर्णमये कार्यकाले संस्कृतस्य लोकप्रियत्वं सर्वथा संवर्ध्य नूतन शिक्षा नीत्यां संस्कृत समावेशनार्थं विशिष्टं कार्यमस्ति आचरितम्। नरेंद्र मोदी प्रशासनेन देशस्य त्रयः मानित संस्कृत विश्वविद्यालयाः पूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण प्रतिष्ठापिताः। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयश्च एते त्रयः शास्त्र संरक्षण मेरुदण्डभूताः संस्कृत विश्वविद्यालयाः साम्प्रतम् आधुनिक ज्ञान विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमेन अपि सन्ति संयुक्ताः। अत्र ध्येयमस्ति यत् नरेन्द्र मोदिना स्वयमेव शुभकामना वर्धापन संवेदनापत्राणि च संस्कृत भाषायां सम्बद्धेभ्यः जनेभ्यः सम्प्रेष्य जनेषु संस्कृतं प्रति आकर्षणम् अस्ति विवर्धितम्। अथ मन की बात इति कार्यक्रमे यत्र तत्र स्वकीय वक्तव्ये च संस्कृत सूक्तिनां प्रयोगेण अपि नरेन्द्र मोदिना संस्कृतस्य पुनः उज्जीवनाय जनाः प्रेरयन्ति। अपि च प्रतिजनं संस्कृतं सम्प्रापयितुं नरेन्द्र मोदिना प्रतिवर्षम् आचर्यमाणं संस्कृत दिवसं इतोपि भव्यतया आचरितुं जनाः अध्यर्थ्यन्ते प्रेरयन्ते च। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। नीतीश, अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः संरक्षणे अस्मदीय राष्ट्रम् अस्माकं च संस्कृत्याम् अनुप्राणिता संस्कृतभाषा नित्यं नूतनशिखरं संस्पृशेत् इत्येव कामना अस्माकम्। नूनं संस्कृतोत्थानाय सुश्लाघनीयोऽयं प्रयासः, एवमेव नैके विद्वद्धुरीणाः अपि संस्कृत प्रसार प्रचाराय संलग्नाः सन्ति। एष्वेव संस्कृत विद्वत्सु अन्यतमः विद्वान्
पूर्व प्राशासनिक अधिकारी संस्कृत अकादम्याः पूर्वाध्यक्षः श्री सेवाराम वर्यः अद्य आमन्त्रितोऽस्ति अस्माभिः अत्र वार्तावल्याम्। संस्कृत विषयकान् अस्य विदुषः व्यापकानुभवान् परिज्ञातुम् उपसरामः अधुना त्रिज्या प्रभागं प्रति। भूतपूर्व भारतीय प्राशासनिक सेवाधिकारिणः श्रीमतः सेवाराम शर्मणः वार्तावल्यां हार्दिकं स्वागतम्। नमो नमः महोदय, वार्तावल्यां भवतः हार्दिकं स्वागतम्। महोदय, भवता संघलोक सेवा योगस्य परीक्षा उत्तीर्णा, तत्र भवतः वैकल्पिक विषयः संस्कृतम् आसीत्। चयनानन्तरं भवान् नैकेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च कार्यं कृतवान्। तत्र संस्कृतं कथं भवतः कृते परीक्षायां, चयनानन्तरं प्राशासनिक कार्यकाले एवञ्च सेवानिवृत्तेः अनन्तरं जीवने अपि सहायकरम् आसीत्? हाँ, ये आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि संस्कृत तो लिया था हमने, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी उसमें लिया था, क्योंकि संस्कृत मेरा बहुत ही प्रिय विषय था और उसको मैंने, यानी बीए में मेरे पास तीनों विषय थे, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य, लेकिन सब में संस्कृत सर्वोपरि। और उसके प्रति मन में इतनी बड़ी आस्था थी, इतना लगाव था, इतनी आत्मीयता थी, लगता था जैसे संस्कृत के बिना मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है। और उसी को लेकर के फिर मैंने तब तो ग्रेजुएशन किया था, और जो ये साहित्य लेते हैं ना, इसमें जो लेके चलते हैं लोग कहते हैं भाई इसमें तो पास होने बड़ा मुश्किल होता है, और सौभाग्यवश मेरी उसमें प्रथम श्रेणी भी आ गई थी, यूनिवर्सिटी में एक अच्छा स्थान भी मिल गया था। तो उससे फिर थोड़ा होकर के उसके बाद भी मैंने फिर अंग्रेजी में एम ए किया, क्योंकि जो नौकरी की सुविधा होती है वो अंग्रेजी से अधिक होती है, संस्कृत में भी नौकरी के साधन कम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संस्कृत के प्रति सम्मान या उसके प्रति प्यार या उसके प्रति स्नेह किसी भी रूप में कम हो गया, बल्कि निरंतर वो बढ़ता ही गया है। और मैं आज भी यही कह रहा हूँ, सेवानिवृत्ति के मुझे अब तो 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, और वो अभी भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ये वास्तव में मेरे लिए एक माँ है, जैसे माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है, ये मेरी माँ ऐसी है कि मेरा प्रेम अनंत है इसका उसके प्रति, और उसका आशीर्वाद मेरे पर अनंत है, तो ऐसा मुझे लगता है संस्कृत के प्रति। शोभनम, भवतः प्रवृत्ति योगाध्यात्मं प्रति अपि, कदा भवान एतयोः अभ्यासारम्भं कृतवान, अपि च कासु परिस्थितिषु भवतः रुचिः एतयोः आरब्धा? नहीं, इसका कोई आरंभ उस तरह से नहीं हुआ कि एक दिन से शुरू हो गया और फिर वो चलता चलता रहा है इस तरह से, ऐसा नहीं है। ये तो भाई योग तो एक ऐसा है, वो जितना आंतरिक दृष्टि से आप उसकी तरफ को देखेंगे उतना ही समझ में आता है योग है क्या। वास्तव में योग है चित्तवृत्ति निरोध है, पतंजलि यही तो कहते हैं, चित्त की वृत्ति को निरोध करना योग है। वो तो वो हो गया, और ये हठ योग जो आपका हो गया, ये सारी आपने अष्टांग योग जिसको कहते हैं सारा का सारा, और ये विशेष रूप से जो आसन वगैरह जो करते हैं अष्टांग योग में, तो यम नियम आसन प्राणम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, आठ के आठ आ गए हैं। इसमें जो प्राणायाम वाला आ गया, आसन और प्राणायाम, वो सिर्फ पतंजलि वाला आ गया, सारा सारा उसमें करते हैं, जिसमें योग है चित्तवृत्ति निरोध है, जिसमें वो चीज़ आती है। इसके प्रति तो ये आकर्षण कैसा होता है, ये बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से ही आता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है बस वो अच्छी लगने लगती है। और अच्छा, इसी जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, भाई जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान ही सब कुछ है, और भगवान सब कुछ इस रूप में भी है, खाली यही नहीं कण कण में भगवान है, अब अगर कण कण में हो गया तो सब में भगवान है। अब मैं रीता जी से बात करता हूँ उसमें भगवान है, रीता जी मेरे मुझे भगवान है, ये सब देख रहे हैं कैमरे वाले इन सब में भगवान है। तो जब भगवान सब जगह हो गया तो उससे तो कहीं कोई बच नहीं सकता है, तो वो तो मूल रूप से हमारे खुद के अंदर है। उसको भले ही आप आत्मा कह लीजिए, उसको भले आप अंतरात्मा कह लीजिए, जितने गहरे चले जाएंगे अनुभूति के स्तर से लेकर के, वहीं जाकर के अंतरात्मा जो है वही भगवान बन जाता है। और उसको आप, उसके लिए आंखें बंद करना भी आवश्यक नहीं है, आंखें खुल के देखेंगे जहाँ देखो वहाँ भगवान दिखाई देंगे, साहब आंखें बंद करके देखेंगे अपने अंदर भगवान होता है। तो वास्तव में मैं या ऋचा जी जो भी हैं या दूसरे लोग जो हैं, वो सब के सब भगवान के अप्रतिम रूप हैं, और उनसे उनमें मुझमें कोई अंतर है ही नहीं है, यही तो अद्वैत है। और एक ही हैं, दो हैं ही नहीं, हम उनके अंश हैं। और जब बड़े फलक पे देखते हैं कितना सारा, कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान सब जगह है ना,
तो उसका मैं कितना छोटा सा अंश हूँ, जरा सा हूँ ना, जरा सा हूँ। जैसे हम अंदर कितने लिविंग सेल्स हमारे अंदर होते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, असंख्य हैं। तो जैसे हमारे खुद के शरीर के अंदर इतने सारे अंश होते हैं, है ना, और मेरे अंश हैं, वही मुझे जीवन दे रहे हैं, उनमें अलग अलग हर एक का प्राण है, अलग अलग प्राण है। इस तरह से पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी जितने भी जीव प्राणी रहते हैं उन सब में भी वही भगवान का अंश है। हम सब मूल रूप से एक ही हैं, दो नहीं हैं। अद्वैत को चाहे इसको परिभाषा रूप में मान लो, चाहे इसको व्यवहारिक रूप में मान लो, चाहे इसको किसी रूप में मान लो, यही अद्वैत है। समीचीनम्। साम्प्रतं वयं पश्यामः यत् ये छात्राः संघलोक सेवायोगस्य अन्यासां परीक्षाणां वा सन्नद्धतां कुर्वन्ति, अपि च ये सामान्य जनाः, ते अपि प्रायः सर्वे विविध चिन्ता कुण्ठादिभिः ग्रस्ताः दरीदृश्यन्ते। तावत् तेषां कृते अपि कथं यो अध्यात्मयोगयोः साहाय्यं लब्धुं शक्येत इति कृपया सानुभवं विशदय्य अस्माकं दर्शकान् ज्ञापयतु। ये बहुत आसान है, इसलिए कि देखिए हम सब लोग अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, UPSC की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं और सब की सब जो हैं वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, सब में प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें करते हैं बढ़ते हैं। और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पे जितनी भी वो जो वैकेंसीज हैं, रिक्तियाँ हैं, उनकी तो संख्या है निश्चित रूप से। वो तो अगर UPSC की परीक्षाओं में लाखों बैठते हैं, सबके सब तो उसमें आ नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या करें। ये तो सबसे पहला ध्रुव सत्य है, पहला सत्य है कि जो भी करेंगे हम वो सबके सब उसमें नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। मैं उन कुछ लोगों में कैसे आऊँ, इसके लिए मुझे ये एक ही चीज़ है, परिश्रम करना, परिश्रम करना, परिश्रम करना, और उस परिश्रम को भी इस प्रकार से करना कि उस पर इस चीज़ पे केंद्रित रहे कि भाई मुख्य वो जो उसके जो तत्व हैं वो क्या हैं उस विषय के, उसको समझ करके फिर हमें अपना करना। फिर आपने कुंठा की बात कही, अब जब हमको मालूम है सारे के सारे नहीं आएंगे, तो ये भी मान के चलें भाई मैं नहीं आऊँगा तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, आऊँगा तो मुझे उछल कूद मुझे नहीं कर देनी चाहिए कि भाई वो तो सबके सब मेरे से नीचे हैं, मैं उनके सबसे ऊपर हूँ, वो किसी बेकार के हैं और मैं सबसे अच्छा हूँ, ये भी नहीं है। तो एक ये संभाव जो है, इस समत्व भाव को लेकर के चलें, मैं अपनी तरफ से अपने परिश्रम में कुछ भी कमी नहीं करूँगा, न मैं उसमें आने दूँगा। उद्योग नम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैव इन देयमिति का पुरुषा वदंती दैवम विहाय कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते व्यधिन सिद्ध्यति को अत्र दोषे। कि भाई उद्योग करूँगा मैं पूरी तरह से करूँगा, क्योंकि लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है, अच्छे जो हैं रिजल्ट जो हैं परिणाम उसी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन वगैरह होता है। लेकिन देव इन देयमिति का पुरुषा वदंती, देव होगा अरे भगवान ही करने वाला जो है होगा देखा जाए, ऐसा नहीं है। दैवम विहाय, दैव को छोड़ करके कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, पूरी आत्मशक्ति से मेरा काम है पुरुषार्थ करना बस, और निष्काम भाव से। फिर मुझे ये देखना इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे अपने अंदर ही संतोष होना चाहिए, मुझे जो करना था अधिकाधिक जो संभव था वो मैंने कर लिया, अब प्रभु की इच्छा जैसा वो चाहे करें वो, लेकिन इससे मेरे पुरुषार्थ पे कभी भी कमी नहीं आएगी। मैं एक बार फेल हूँ, दो बार फेल हूँ, तीन बार फेल हूँ, नहीं होगा तो नहीं सही। मैंने दो तीन दफ़े NDA की परीक्षा दी, पास भी हुआ उसमें, इंटरव्यू में नहीं आ पाया, चलिए कोई बात, सोचा जो भी होगा आगे ये मान के चलो, सकारात्मक दृष्टि रखें भाई अच्छा ही होगा, ये मत सोचो फिर क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये भगवान के ऊपर छोड़ना, लेकिन पहले से नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ करने के बाद फिर छोड़ना, तब वो जो कुंठा वाली चीज़ें फिर वो नहीं आएगी, ऐसा मेरा तो खुद का ऐसा अनुभव है। ये जो मैंने कहा है सामान्य जन के ऊपर भी उसी तरह से अलग सबके ऊपर होता है। भाई हम जीवन में क्या करते हैं, 24 घंटे हम कर्म करते रहते नहीं करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, अब जैसे मान लिया मुझे लगा कि भाई मुझे तो जरा पैर में दर्द हो रहा, हाथों में दर्द हो रहा है, कि डॉक्टर ने कहा थोड़ा घुमा करिएगा, ये करिए, मैंने उसको घूमना शुरू कर दिया सामान्य जीवन में, तो होते होते घूमते घूमते भ्रमण करते करते लगा मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा है, तो ये एकदम ठीक बात। कुछ भी सामान्य परिस्थितियों में भी यही नियम लागू होता है कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करके बाकी उसका जो परिणाम है, जो उसका फल है, मैं उसको भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, छोड़ देता हूँ। गीता यही तो कहती है, पूरा निष्काम भाव वाला जो उसका वो है वो यही तो है, और क्या है वो कर्मण्येवाधि कारयस्तु, वो भी है नित्यम च समचित्तत्वम असक्ति अनभिसंगे पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उत्पत्तिषु, इष्ट अनिष्ट जो भी हो जैसा भी हो उसमें हमको भाव हो रखें, नित्यम च समचित्तत्वम
हमेशा समचित्तता रखें, एक जैसा जो भी होगा ठीक है, मैं सफल होऊंगा बहुत अच्छी बात, नहीं सफल तो बहुत अच्छी बात है, जीवन तो चलता रहेगा, मैं अपने जीवन को समाप्त थोड़ी कर लूँगा, जीवन मेरे हाथ में थोड़े, मैंने थोड़े जीवन अपने आप को दिया है, किसी और ने मुझे जीवन दिया है, तो ये तो उसकी थाती है, उसकी थाती को मुझे आगे बढ़ाना है, ले जाना है, मैं चलता रहूँगा, चरैवेति, चाहे कुछ हो जाए, रुकूंगा नहीं, मैं चलाए मान रहूँगा, ये सामान्य जन के लिए तो सोचने की बात है। अस्तु महोदय, भवदीय ही अनुभव कथन ही अवश्यम सर्वे उपकृता भवेयुः इति सविश्वासम भवते पुनरपि नमः धन्यवादश्च। धन्यवादश्च, धन्यवाद सर, हम अपनी उपकृतोस में। प्रिय दर्शकाः, यथा विशेष संवादः तथैव चलचित्र गीतानुवाद स्पर्धा अपि संस्कृतमयं वातावरणं जनयति, प्रेरयति च सर्वान् संस्कृतोन्मुखी भवितुम्। समीचीनं निगदितं भवत्या। अथ एतत् अधुना न विस्मरतु यत् स्पर्धा विजेतृनामोद्घोषः अपि करणीयः अस्माभिः अद्य इति। वस्तुतः प्रेक्षकाः प्रतीक्षारताः विजेतृवरम् अभिनन्दयितुम्। दर्शकाः, अगर दिल किसी से लगाया न होता इत्येतस्य गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतत् क्रमिकः विजेता सपरिष्कारं चितः अस्ति गुरुग्राम वास्तव्यः डॉक्टर सी आर नागपाल वर्यः। गीतमेतत् संस्कृतस्वरेण समलंकरोति मुंबई वास्तव्यः दत्तात्रेय मिश्रीः। कस्यांचिद् यदि नायोजयिषौ कस्यांचिद् यदि नायोजयिषौ हिलोकश्च मां नानाशयिषत् हिलोकश्च मां नानाशयिषत्। पात्यस्वयैवासं विबुध्यबाष्पं पात्यस्वयैवासं विबुध्यबाष्पं विबुध्यबाष्पं दृशोर्वैतदामां नावासैष दृशोर्वैतदामां नावासैष हिलोकश्च मां नानाशैष। भागे चेदेते तिरस्कारः सन् भागे चेदेते तिरस्कारः सन् तिरस्कारः सन् सभायान्ते तर्हि नाहमागमीषौ सभायान्ते तर्हि नाहमागमीषौ हिलोकश्च मां नानाशयिष। सुमधुरं गीतमेतत्। दर्शकाः, विजेत्री श्रृंखलायाः यथावत् प्रवर्तनार्थं भाव लयाद्याश्रित गीतस्पर्धायै सद्यस्तनं गीतं तावत् उपस्थाप्यते एतत् अत्र। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी। अस्य स्पर्धा गीतस्य संस्कृत गीतानुवादः अस्य मासस्य विंशम दिनांकं यावत् वार्तावल्यै प्रेषणीयः।
निर्णय घोषणा च तदनु पञ्चविंशे दिनांके भविष्यति। प्रिय दर्शकाः, भवदीयानि प्रतिस्पन्दनानि प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः इति तु भवन्तः जानन्ति एव। अतः एतदर्थं पत्र प्रेषणादि परं प्रतिक्रिया ज्ञापनं न कथमपि भवेद् अवरुद्धम् इति पुनः पुनः प्रार्थयामहे वयम्। अधुना च एतेन एव निवेदन विशेषेण सह अर्ध होरावधिकं वार्तावल्यङ्कम् उपसंहरामः। प्रयामः च आगामिनं वार्तावल्यङ्कं भवत्समक्षम् आनेतुम्। तावत् शुभं भवतु, मंगलं भवतु, नमो नमः। वसनात्वान् छाते तेना भविष्यत्, वसनात्वान् छाते तेना भविष्यत्, तेना भविष्यत् एवं जीवनं चे न नाशयेषं कस्यांचित् यदि न योजयेषं हि लोकश्च मा न नाशयेषं।